अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ एक मज़ेदार सी कॉफ़ी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप बिना किसी मशीन के, बिना किसी हैंड बीटर के बना सकते हैं घर पर बहुत इजीली। क्योंकि हर किसी के पास मशीन नहीं होती, तो हर किसी के पास हैंड बीटर नहीं होता, तो आप इस तरह से ईजीली बना सकते हैं जो मेरी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं स्टील का ग्लास ले लिया है। अच्छा, उसके बाद मैंने 3 चम्मच कॉफ़ी डालूंगी, क्योंकि मैं यहाँ 3 कप कॉफ़ी बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग उतने स्पून कॉफ़ी ले लें। 4 बना रहे तो 4 ले लें, 5 बना रहे तो 5 ले लें। और इसके साथ ही मैं 3 स्पून ही शुगर डालूंगी। अगर आपने ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप और ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं, और बाद में भी ऐड की जा सकती है। अभी चाहें तो अभी ऐड कर लें। इसके साथ मैं इसमें डालूंगी सिर्फ 2 चम्मच पानी के डालूंगी। अगर हम पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे ना, तो पीस बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो उस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि पानी इसमें ज़्यादा ना हो, पानी लिमिट में ही होगा, तभी आपका पेस्ट अच्छा बनेगा, तभी आपकी कॉफ़ी अच्छी बनेगी। अगर अभी इस टाइम पे जब हम पेस्ट बना रहे हैं तब पानी ज़्यादा हो गया, तो उसके बाद कुछ भी कर लो, कॉफ़ी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है जी। सर्दियों में बहुत ज़्यादा शौक होता है कॉफ़ी पीने का लोगों को, और मुझे, जैसे कि मैं गर्मियों में पी सकती हूँ, मुझे कोल्ड कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको जो भी मन करे आप तब बना सकते हैं इस तरह से। हाँ, सब चीज़ें डालने के बाद हमने इसको स्पून से इस तरह से बीट करना है, करते जाएंगे, और इसके बाद कॉफ़ी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एंड थोड़ा लाइट नहीं पड़ी थी, उसने मैंने फ्लैश ऑन की। ये देखिए, यहाँ मेरे कॉफ़ी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, यहाँ पेस्ट अच्छा बन गया है। लेकिन इसमें अभी देखना, आप शुगर बहुत अच्छे से मेल्ट नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी दिख रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपकी कॉफ़ी का पेस्ट इस तरीके से थिक हो जाए ना, अच्छा बन जाए, तो बस आपने 2 मिनट में आपकी कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इसमें, 1 सेकंड लगता है। आप रोज़ बनाना चाहो रोज़ बना लो। अगर आपका पेस्ट बच जाता है, आप उसको फ्रीज कर दो, कल यूज़ कर लो, परसों यूज़ कर लो, कोई मसला नहीं, टेस्ट वैसे ही होता है एकदम। यहाँ मैंने दूध बॉयल हमारा था, नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था। उसके बाद मैंने पेस्ट ऐड कर लिया, और आप जितने चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पेस्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हल्का पसंद है, मतलब ज़्यादा मीठा कड़वा नहीं पसंद, तो आप वैसा रखो, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा पेस्ट ऐड कर दो। अच्छा, यहाँ पे मैं ये नेस्ले का एवरीडे मिल्क पाउडर आता है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। पिक्चर मैंने ऐड कर दी है, अब आप देख सकते हैं। तो इससे आपकी कॉफ़ी का टेस्ट एकदम मार्केट वाले कॉफ़ी का टेस्ट हो जाएगा, बल्कि बहुत ही टेस्टी, जैसे कि हिल स्टेशन में होती है, 5-स्टार होटल्स में होती है, बिल्कुल उसका टेस्ट वैसा होगा। तो आप इसके 2-3 स्पून में ऐड कर दो, उसके बाद आपकी कॉफ़ी बहुत ही लाजवाब बनेगी। आप चाय बना रहे हो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें भी यूज़ कर सकते हो। देखो कॉफ़ी कितने ज़्यादा थिक हो गई हमारी, देख सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो ट्राई ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।